दक्ष शिक्षा क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं कुंदन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नए ट्रिक। पिछले वीडियो की बात करें, अगर हम पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन का एक बेहतरीन ट्रिक, वैसे ही आज हम लोग भी कुछ और ट्रिक जानेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा होगा, फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख ले। वहां का वो जो फर्स्ट पार्ट है उस ट्रिक का यूज हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, इसमें भी उसका यूज होगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी देखना आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज कुछ पार्ट इसका ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आ पाएगा मे बी कैलकुलेशन में। तो पिछले क्लास में जो बताया था, यानी कि पिछला जो वीडियो होगा उसको आप लोग जाकर पूरा देख ले, उसके ट्रिक को समझ ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। बता दे, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, उन सब सारे क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से ना बनाकर अगर हम ट्रिक्स से और डायरेक्ट अगर बनाए तो चीज हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, टाइम हमारा सेव होने लगेगा, जिससे हम अदर क्वेश्चंस पर टाइम दे पाएंगे, जिससे हमारा रिजल्ट क्या होगा जल्दी बन पाएगा। तो हर एक पॉइंट को समझिए, हर एक छोटे छोटे ट्रिक को समझिए और ट्रिक के पीछे का जो लॉजिक है वो भी समझते जाइए, कभी आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बता दे, बच्चा हो या जवान, सबके लिए ट्रिक होगा वरदान। और ट्रिक को सीखते रहिए, सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। आगे बढ़ते लोग इस ट्रिक को समझने के लिए, देखिएगा हमने जो ट्रिक का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक आपका है सम ऑफ ऑड नंबर्स, और एक ट्रिक का टॉपिक आपका है सम ऑफ इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याओं का योग, और यहाँ पर सम संख्याओं का योग। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते बेसिक मेथड से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम सब क्लास 10th में पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। बट अगर उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम साइड करें, फॉर्मूला को साइड कर दे और इस क्वेश्चन को देखते ही देखते बनाना हो तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं कैसे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये है सम ऑफ ऑड नंबर्स। सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी कि सारे जो डाटा आपको दिए गए हैं वो विषम संख्या में डाटा है, 1+3+5+7+9, ऐसे बढ़ते 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 कोई पार्टिकुलर नंबर तक, जो वो भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला मेरा काम होगा इसमें हमको ये फाइंड आउट करना नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एन इंडिकेट कर रहा है उसको। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये बताना आपको उसमें ये जो हमारा नंबर्स लिखा गया है टोटल कितने टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे 149 वो जो है वो किस टर्म में आएगा। तो चलिए उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे। जब भी आपको कोई सवाल अगर आपसे कोई पूछ बैठे ऑड नंबर्स के रिस्पेक्ट में, पूरा एक सीरीज दे दे ऐसे ऑड नंबर्स का और पूछे कितना टर्म लिखा गया है, आप सेकंडों में बता सकते हैं। कैसे, लास्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा एन का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा कसम, ये जो एन है एन का स्क्वायर यानी कि 75 का स्क्वायर। अब ये ट्रिक आपको नहीं आएगा, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, बट इस पर हमने वीडियो बना रखा है, फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का है उस पर आप इस वीडियो को देख ले और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट इसको देख ले, इसको क्लियर करते हैं। यहां भी इसको हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25। अभी के लिए तो ठीक है, बट फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बहुत सारा ट्रिक है, उसको जाकर देखिए और समझे। अभी के लिए हम बता रहे हैं क्या होगा इसका ट्रिक, 5 का स्क्वायर 25, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें अगले टर्म से, 7 है हमारा, 7 के बाद क्या आएगा 8, 7 को 8 से 5, 6, 2, 5, सेकेंड वन। चलते हैं सेकेंड पार्ट को लेकर, जहां पर इवन यानी कि सम संख्या का योग निकालना, सेम कंडीशन, सेम सब कुछ, यहां भी हमको एन पता करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन पता करते हैं। ये निकालना बहुत इजी है, लास्ट टर्म में 2 से डिवाइड कर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 100।
सम क्या होगा इसका? इसका सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, हंड्रेड इंटू हंड्रेड वन, वन जीरो वन डबल जीरो, वन जीरो वन एक सौ एक, कितना जीरो लगा देंगे? दो जीरो। या फिर आप इसका सेकेंड ट्रिक बनाना अगर चाहे तो ऐसे बन सकता है, एन स्क्वायर प्लस एन, हंड्रेड का स्क्वायर प्लस हंड्रेड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड हंड्रेड। एक बार हर एक पॉइंट को देख ले, यहां पर दोनों केस में इवन हो या ऑड हो, दोनों केस में हमको एन पता कर लेना है, एन कितना होगा। इवन को पता करना हो लास्ट टर्म में टू से डिवाइड, ऑड को पता करना हो लास्ट में वन ऐड करके टू से डिवाइड, एन पता चल गया। जब उसका सम निकालना हो तो ऑड में एन स्क्वायर, यानी कि नंबर जो आपका आएगा एन का वैल्यू उसका स्क्वायर। जब बात करें इवन में हो तो एन का स्क्वायर प्लस एन, यानी कि हंड्रेड का स्क्वायर प्लस हंड्रेड, ये रहा आपका आंसर। ये चीजें अभी आपने सीखा समझा, इस पर हम लोग 10-15 क्वेश्चन का बना ले, यही चीज हमारे लिए 2-3 सेकंड का हो जाएगा। देखते ही देखते आंसर हम लोग बता सकते हैं, बट इसके लिए कुछ पहले का ट्रिक आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रिक आपको आना चाहिए था, कैसे हम लोग करते हैं। इन सब चीज को जानने के लिए और भी कुछ कैलकुलेशन को जानने के लिए फर्स्ट पार्ट को इसको देखे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए तो आपके स्क्रीन पर ये चार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा एक बार वीडियो को बैक करके फिर से सारे पार्ट को समझ ले। हमें एन पता करना था और एन के ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारा सम ऑफ इवेंट्स या सम ऑफ ऑड का पास। यहाँ पर देखिए हम कैसे फास्ट सेकेंडों में काम करेंगे, 2-3 सेकंड में आंसर निकालेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जरा, 1 3 5 7 9 पता चल गया ऑड है, 119 में वन ऐड करे हाफ कर दे उसका था 60, 119 प्लस वन 120 का था 60, आंसर हो जाएगा 60 का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, 2 4 6 8 10 कहां तक? 150 तक, 150 का हाफ, इवन में डायरेक्ट हाफ करते हैं, ऑड में वन ऐड करके हाफ करते हैं एन पता करने के लिए। 150 का हाफ 75, यानी कि 75 का स्क्वायर प्लस 75, 56 5625 प्लस 75 5700, 2-3 सेकेंड। 169, 170 का हाफ 85 का स्क्वायर, आंसर 7225। ये कैलकुलेशन हम कैसे कर ले रहे हैं फास्ट, ये चीज जानने के लिए आप वीडियो का पार्ट वन जरूर देखे, वो हमने बताया इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। अभी के लिए बस ये बता दे, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद आएगा 9, 72, 180 का हाफ 90, यानी कि आंसर हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 90, 8190, ये रहा आपका। चार क्वेश्चन काफी था, 10 सेकंड में ऐसे लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, आपको 10-5 सेकंड जो भी टाइम लगता है, ये टाइम आप बचाते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके एग्जाम के लिए। बता दे इसको अगर आप समझने में अगर दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार बैक करें, समझे तब फिर क्वेश्चन को बनाए। आज के लोग इतना ही पर खत्म करते हैं, बताते जाते थे, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इसके लिए आपको जरूरी है सब्सक्राइब करें, और फिर आपको बेल आइकन को दबाना है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी, और लगातार बने रहिए ट्रिक के साथ, और फिर मिलते हैं। थैंक यू।